Hello students, this is DP Singh, Faculty of Zoology. In today's class, we will discuss about another master question for the NEET 2020. Okay? So, the first question is, match the following. Girdle bone kya gaya hai 22 in number. PC form, this is 2 in number. Skull bone, 24 in number. Ribs, 6 in number. अब देखिए कौन किसके साथ मैच करेगा. अब पहला हम बात करते हैं गर्डल बोन. देखिए हमारे पास दो शोल्डर गर्डल हैं और दो पेल्विक गर्डल हैं. एंड ईच शोल्डर गर्डल इज कंसिस्ट ऑफ टू बोन. हर एक शोल्डर गर्डल जो होगा वो दो बोन का मिलकर बना है. दिस इज द वन इज क्लेविकल और कॉलर बोन. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्यूटी बोन. इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं. और दूसरा होगा स्कैपुला. तो टू यहाँ पर हो गए, टू यहाँ पर फोर हो गए हैं. और जो हमारा पेल्विक गर्डल होगा उसमें दो कोक्सा बोन होगा. ओके, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, सिक्स हो गया है. तो गर्डल के साथ में कितना लगा दूंगा, दिस इज द सिक्स. पीसी फॉर्म, देखिए पीसी फॉर्म, इट इज द नेम ऑफ द कार्पल्स. एक कार्पल्स बोन का नाम है कार्पल्स. दिस इज द रिस्ट बोन. जैसे आप देखिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द रिस्ट बोन. ये कार्पल्स है. यहाँ पे ये होगा जैसे इधर प्रोक्सिमल रो और नीचे होगा डिस्टल रो. तो प्रोक्सिमल रो में भी फोर बोन है और डिस्टल रो में भी फोर बोन है. उसके बाद जैसे इधर मेटाकार्पल एंड जैसे इधर फैलेंजेस. क्लियर. तो पीसी फॉर्म. अब हमारे पास ये दो रिस्ट है ना भाई, तो यहाँ पर भी पीसी फॉर्म होगा, एक यहाँ पर भी पीसी फॉर्म होगा, विच इज टू इन नंबर. तो बी के साथ सेकेंड से ही मैच किया गया. स्कल बोन, स्कल बोन में 22 बोन होंगे जिसमें से 14 फेशियल होंगे और 8 क्रेनियल होंगे. तो सी के साथ मैं फर्स्ट लगा सकता हूँ. और रिब्स, दिस इज 24 इन नंबर. ओके, अब मेरे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं. तो ए के साथ क्या होना चाहिए, ए के साथ 4 होना चाहिए, तीन ऑप्शन में आ रहा है. बी के साथ सेकेंड होना चाहिए, ए के साथ 4, बी के साथ सेकेंड, ये सी वाले ऑप्शन में. तो सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर. अगला क्वेश्चन लिखा है विच इज करेक्ट. कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है. इनहिबिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑन द जीएनआरएफ सिक्रीशन. पहला ऑप्शन है एबीपी, दिस इज द एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, गिव्स नेगेटिव फीडबैक फॉर द एफएसएच. एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस कॉज द रिलीज ऑफ इनहिबिन. और डी ऑप्शन है एलएच रेगुलेट बाय द फीडबैक गिवन बाय द इनहिबिन. अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले अपन को थोड़ा सा हार्मोन रेगुलेशन देखना पड़ेगा. अगर मैं यहां पर बात करता हूं हाइपोथैलेमस, अब हाइपोथैलेमस ने क्या सिग्नेट किया है, जीएनआरएफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. और गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का टारगेट होगा जैसे द पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी. अब एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रेट करेगा, गोनाडोट्रोपिन, दिस इज द एफएसएच एंड दिस इज द एलएच. अब देखिए जो एलएच का टारगेट होगा दिस इज द लीडिंग सेल. एलएच का टारगेट क्या होगा, लीडिंग सेल. और लीडिंग सेल क्या सिक्रेट करेगी, दिस इज द टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन होगा, दिस इज द मेल सेक्स हार्मोन. और एफएसएच का जो टारगेट होगा दिस इज द सर्टोली सेल, सर्टोली सेल. अब देखिए सर्टोली सेल क्या सिक्रीट करेगा, एक तो इनहिबिट भी करेगा, एबीपी भी करेगा, एएमएच भी करेगा. अब देखिए जो इनहिबिट होगा वो एंटीरियर पे नेगेटिव फीडबैक देगा ओनली फॉर FSH, केवल FSH के लिए नेगेटिव फीडबैक होगा, नेगेटिव फीडबैक. दूसरी चीज जो टेस्टोस्टेरोन होगा इस पर भी नेगेटिव फीडबैक देगा और इस पर भी नेगेटिव फीडबैक देगा, दिस इज द नेगेटिव फीडबैक. अब क्वेश्चन देखिए पढ़ रहा हूं, इनहिबिन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ द जीएनआरएफ. पहला बिल्कुल ऑप्शन में नहीं है. एबीपी गिव द नेगेटिव फीडबैक फॉर द एफएसएच. एबीपी नहीं दे रहा जबकि क्या दे रहा, इनहिबिन दे रहा है, तो दूसरा भी होगा. एक्सेस स्पर्मेटोजेनेसिस कॉज द
रिलीज ऑफ इनहिबिन, जितना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा और जितना ज्यादा स्पर्मेटोजेनेसिस होगा उतना ज्यादा मेरे को एफएसएच चाहिए, क्योंकि एफएसएच का भी काम क्या रोल होता है, गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करना। तो जितना ज्यादा एफएसएच होगा उतना ही ज्यादा इनहिबिन का सिक्रीशन भी होगा। ओके, तो सी द करेक्ट आंसर। अब मैं डी देख लेता हूं। LH regulated by the feedback given by the inhibin. क्या LH regulated हो रहा क्या? जबकि क्या होना चाहिए? This is the FSH regulation. तो D मेरा क्या हो गया? Wrong हो गया. तो C is the correct answer. Clear? अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा गया है। Dental formula of the monofibrous. जो monofibrous teeth होते हैं उसका dental formula आपको बताना है। देखिए मोनोफाइडोंट टीथ का मतलब होता है आर दोस टीथ व्हिच कम्स वंस इन अ लाइफ, लाइफ में जो दांत एक बार आते हैं दिस इज कॉल्ड मोनोफाइडोंट, और जो दो बार आते हैं दिस इज द डाइफाइडोंट। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं, मैं अपने परमानेंट डेंटल टीथ का फार्मूला पे बात करता हूं, 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2, दिस इज द अडल्ट या परमानेंट डेंटल फार्मूला। इंसिजर्स है, कैनाइन्स है, प्रीमोलर्स है, एमोलर्स है। अगर मैं चाइल्ड के डेंटल फॉर्मूला की बात करता हूं, 2 1 0 2 2 1 0 2 2 2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डाइफाइडोंट, ए परमानेंट टीथ का फॉर्मूला, अडल्ट का फॉर्मूला। अब देखिए ये वाले जो दांत होंगे ये तो दो बार आएंगे इसलिए डाइफाइडोंट है। अब अपन को मोनोफाइबर चाहिए, तो अगर मैं मोनोफाइबर फॉर्मूला लिखता हूं, यहां पे मैं 0 लिखूंगा, ठीक है, यहां पर भी 0 लिखूंगा, उसके बाद इसमें आप देखिए कितना ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है, 2 ऐड हो रहा है, जो दो दांत हैं वो एक बार आ रहे हैं, यहां पर भी आप देखिए, उसके बाद इसमें भी कितना होगा, यहां पर 2 2 2 था, यहां पर एक और बढ़ गया, तो 1 into 2, तो 3 into 2 6 upon 6, मतलब ये माइनस नहीं हो भाई, कटेगा नहीं, ये 12 teeth। तो हमारे जो 12 दांत होते हैं जैसे था मोनोफाइडोंट, और जो 20 टीथ होते हैं ये क्या होते हैं, जैसे था डाइफाइडोंट। ओके, this is the formula of the diphyodont teeth and this is the formula of the monophyodont teeth. तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, B is the correct answer. Clear? अब देखिए next question है, अगला question है, which of the following is not the function of parasympathetic nervous system? Not the function of parasympathetic nervous system. कौन सा parasympathetic nervous system का function नहीं है? पहला ऑप्शन है देखिए कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल, कंस्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का कंस्ट्रिक्ट हो जाना। दूसरा ऑप्शन है रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, ओके, रिलैक्सेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, सी ए आपका प्रमोशन ऑफ बाइल सेक्रेशन, प्रमोशन ऑफ बाइल सेक्रेशन, और डी ऑप्शन होगा नैरोइंग ऑफ ईयर पैसेज। अब देखिए
वो कह रहे हैं कौन सा नॉट द फंक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक। अब देखिए इसको याद रखने के लिए, देखिए हमारे पास ऑटोनॉमी में बात करें तो सिंपैथेटिक है और पैरासिम्पैथेटिक। अब सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जनरली क्या होगा, एक दूसरे को अपोज करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, पैरासिम्पैथेटिक के फंक्शन और सिंपैथेटिक के फंक्शन कैसे क्या होते हैं वो मैं आपको याद करा देता हूँ। देखिए आप कैसे समझना है, आप बहुत ही स्ट्रेस में हैं या डर गए हैं बहुत ज़्यादा, सपोज दैट आप कहीं किसी एक ऐसी जगह जा रहे हैं, ओके, रात में जा रहे हैं, आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं, बाइक या कार से जा रहे हैं, अचानक से आपकी कार खराब हो जाती है और एक कोई हॉरर सा एनिमल आपके सामने आ जाता है। और हॉरर सा एनिमल जब आपके सामने आता है तो जो जो मूवमेंट आपकी बॉडी में उस टाइम पर होंगे, दिस इज द फंक्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो नर्वस और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन है और उसके अपोजिट किसके फंक्शन होंगे, पैरासिम्पैथेटिक के। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन नहीं होना चाहिए, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल। अब आप देखो जरा बहुत इंपॉर्टेंट है सर जी, दिस इज द आयरिस एंड दिस इज द प्यूपिल, ये प्यूपिल है, दिस इज द आयरिस एंड दिस इज द प्यूपिल। अब देखिए जब अपन डरते हैं, जब अपन डरते हैं तो कौन सा सिस्टम काम करेगा, सिंपैथेटिक। और डरने की वजह से क्या होगा, पीपल का डायलेशन होगा, मतलब मेरी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी, दिस इज द डायलेशन ऑफ द पीपल, इट इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब तो कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम किसका होगा, पैरासिम्पैथेटिक का, लेकिन वो कह रहे हैं नॉट द फंक्शन, तो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल ये तो पैरासिम्पैथेटिक का होगा कि नहीं होगा, अभी मेरा आंसर ये नहीं होगा। एक बार आप ये देखिए यहाँ पे पीपल को डायलेट किया है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट किया गया है, पीपल को डायलेशन को बोलते हैं माइट्रियासिस, कॉन्स्ट्रिक्शन को बोलते हैं जैसे मियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मियोसिस इट इज द कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, स्पेलिंग ये वाला होगा मियोसिस का, ठीक है, ये माइट्रियासिस है, माइट्रियासिस डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन जैसे मियोसिस। तो पहला ऑप्शन रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखिए अगर मैं सिंपैथेटिक की तरफ फिर से जाऊं तो अपन का जो यूरिनरी ब्लैडर है उससे यूरिन बाहर निकल जाएगा, मतलब हमारा यूरिनरी ब्लैडर क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, इट इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक। क्लियर, तो मेरा आंसर बी द करेक्ट आंसर, ए पैरासिम्पैथेटिक का फंक्शन नहीं है। क्लियर, प्रमोशन ऑफ द बाइल सेक्रेशन, बाइल सेक्रेशन को प्रमोट करेगा, बिल्कुल करेगा, नैरोइंग ऑफ द एयर पैसेज, ओके, ये भी करेगा, तो मेरा आंसर क्या हो गया है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे डायलेशन की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखिए पीपल का कंस्ट्रक्शन डायलेशन, यहाँ पे दो टाइप के मसल दिखाए गए, दिस इज द सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर मसल से आयरिस के जो मसल है, दिस इज द सर्कुलर मसल, और ये वाले जो मसल होंगे दिस इज द रेडियल मसल। अगर मेरे को पीपल को कॉन्स्ट्रक्ट करना है तो आप ऐसा याद रख सकते हैं सी सी सी, क्लियर, सी स्टैंड फॉर सर्कुलर मसल, ओके, और सी स्टैंड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, और सी स्टैंड फॉर कॉन्स्ट्रिक्शन, ओके, मतलब जब मेरे आयरस के सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पीपल का साइड क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब मियोसिस होगा। क्लियर, और इसमें उल्टा क्या हो जाएगा, अगर मेरे को डायलेट करना है तो रेडियल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो पीपल डायलेट हो जाएगा, अगर मेरे को पीपल को डायलेट करना है तो रेडियल मसल को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन लेंस के केस में अलग चीज है, मेरे को अगर लेंस का शेप बदलना है
तो वहां पे मैं बात करूंगा सीलियरी मसल का। ध्यान दीजिए, जैसे अगर आप देखिए, अगर लेंस थिन हो गया है तो क्या होगा, अगर लेंस थिन हो गया है तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, अगर मेरे को फॉर ऑब्जेक्ट को देखना है, दूर की चीज को देखना है, तो मेरा लेंस थिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेरा लेंस थिन होना चाहिए। अगर मेरे को पास की चीज को देखना है तो मेरा लेंस थिक होना चाहिए। और लेंस का जो थिकनेस होगा, जनरली हम वहां पे किसके बात करेंगे, सीलियरी मसल से बात करेंगे। लेकिन प्यूपिल को मेरे को कॉन्स्ट्रिक्ट या डायलेट करना है तो मैं वहां पे आयरिस की मसल की बात करूंगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैक्टर इंक्रीज द कंडक्शन ऑफ वेलोसिटी। फैक्टर इंक्रीज द कंडक्शन वेलोसिटी इन नर्व, अपन कह सकते नीरो एक्सेल एक्सेल। अब इसमें देखिए, पहला ऑप्शन है थिकनेस ऑफ द नर्व फाइबर, थिकनेस ऑफ नर्व फाइबर। दूसरा ऑप्शन है नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर सी ऑप्शन है, हाई टेम्परेचर। ओके, डी ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ मायोसिन। अब देखिए क्वेश्चन है, कौन से फैक्टर हैं जो नर्व कंडक्शन की स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे, एक्सेप्ट पूछ रहा हूं मैं, एक्सेप्ट। अब ध्यान दीजिए, थिकनेस ऑफ द नर्व फाइबर का थिकनेस जितना ज्यादा होगा, डायमीटर जितना ज्यादा होगा, कंडक्शन उतना ही फास्ट होगा, क्योंकि क्या होगा, फ्री आयन का मोबिलिटी ज्यादा हो जाएगा। जैसे अपन देखते हैं, यहां पे भी सोडियम पोटेशियम आयन को आप जानते हो, मतलब आप सीधे कॉमन एग्जांपल समझ लीजिए, दो डिफरेंट डायमीटर के पाइप है आपके पास, एक इतना डायमीटर है, एक इतना डायमीटर है। मैं आपसे बोलूं, आप एक पाइप से बाहर निकलिए तो आपको किस पाइप में निकलने में ज्यादा दिक्कत होगी, जिसका डायमीटर कम होगा। मतलब आप देखिए, जिसका डायमीटर ज्यादा है उसमें फ्री आयन का मोबिलिटी क्या होगा, तेजी से होगा, आयन आसानी से मूव कर पाएंगे, तो स्पीड क्या होगा, तेज होगा। इसमें स्पीड उतना स्लो या उतना फास्ट नहीं होगा, मतलब स्लो होगा। तो जिसका डायमीटर ज्यादा है उसमें कंडक्शन फास्ट होगा, तभी मेरा आंसर ये तो नहीं हो सकता। नेचर ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, अब देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर एक्साइटेटरी भी होंगे, इनहिबिटरी भी होंगे। अगर एक्साइटेटरी नेचर का है तो क्या होगा, कंडक्शन फास्ट होगा, अगर इनहिबिटरी नेचर का है तो कंडक्शन स्लो होगा। ओके, तो ये फैक्टर बिल्कुल अफेक्ट कर सकता है। हाई टेम्परेचर, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, कंडक्शन स्पीड क्या होगा, कंडक्शन का स्पीड काफी ज्यादा होगा हाई टेम्परेचर। अगेन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से के आयंस का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। प्रेजेंस ऑफ द माइलिन सी, अगर एग्जोन पे माइलिन सी पे माइलिनेटेड एग्जोन है तो वहां पे स्पीड तेज होगा, एंड दिस इज कॉल्ड साल्टेटरी कंडक्शन ऑफ द नर्व इंपल्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, साल्टेशन। ये भी नहीं होगा। वो ये पूछना चाहते थे, कौन सा जनरली नर्व कंडक्शन की वेलोसिटी को या स्पीड को नहीं बढ़ाता है, मतलब वो एक्सेप्ट मान सकते हैं, ये हो गया है, क्योंकि इसमें इनहिबिटरी भी तो है,
ये तो सही है, ये सभी फैक्टर तो क्या होगा, नर्व कंडक्शन को बढ़ाएंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब द नाइन क्लॉटिंग फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड नाइन क्लॉटिंग या ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर ऑल्सो कॉल्ड, और किस नाम से जानते हैं नाइन क्लॉटिंग फैक्टर को? पहला ऑप्शन है स्टुअर्ट फैक्टर,